करके युवाओं के दिलों के धड़कन, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच में मौजूद माननीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, युवा मामले विभाग के सचिव सुश्री उपमा चौधरी जी, खेल विभाग के सचिव श्री राधेश्याम जोलाना जी, और आज के इस रोमांचक कार्यक्रम में हमारे बीच में आए देश के कोने कोने से जो फिटनेस आइकन है अलग अलग क्षेत्र में, और आज ही के दिन खेल दिवस के अवसर पर जिनको हम खेल और एडवेंचर के जो अवार्ड देने वाले हैं, अर्जुना, खेल रत्न द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राष्ट्रीय खेल रत्न डाका और तेंजिन नोर्गे अवार्ड से जिसको नवाजा जाएगा, शाम को राष्ट्रपति भवन में हमारे बीच बैठे हैं, और बीच में इस तमाम देश के अलग अलग कोने से हमारे बीच में आए हुए माता और बहनों और काफी मात्रा में युवाओं के प्रतिनिधि इस स्टेडियम में आए हुए हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आज के फिट इंडिया मूवमेंट का जो कल्पना निर्देश, जिसने एक फिट इंडिया का सपना देखा है और हमको मार्गदर्शन दिया है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। मैं अपने विभाग की ओर से, पूरे मंत्रालय की ओर से, तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। साथ साथ पूरे देश भर में दूरदर्शन के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लाइव ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सबका भी इस रोमांचक कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज पूरे देशभर में कोने कोने में नए जोश के साथ सब इस कार्यक्रम के लिए जुड़े हुए हैं। ये पहली बार हुआ है पूरे भारत देश में कि इतनी बड़ी मुहिम अपने फिटनेस को लेकर के पहली बार खेल दिवस में जो लॉन्च करने का कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसको भाग लेने के लिए, उसको सम्मिलित करने के लिए सब लोग तन मन और पूरे लगन के साथ जुड़े हैं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का कल्पना, प्रधानमंत्री जी का सपना कि एक सशक्त भारत बने, एक बहुत ही प्रगतिशील भारत बने, जिसके लिए हर भारतीय को फिट रहना होगा, हर भारतीय को स्वस्थ रहना होगा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, इस कल्पना को पूरा करने के लिए सब जुड़े हैं। मैं आपको तहे दिल से सबको स्वागत करते हुए भी और साथ साथ में आगे इसको एक अभियान के रूप में हम लोग ले जाना चाहते हैं, आपको आह्वान करना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलने के बाद इस कार्यक्रम का हम एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, जिसके लिए हर भारतवासियों को साथ में जुड़ करके काम करना होगा। मैं बहुत ही खुश हूं कि आज खेल दिवस में मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी का जादूगर माना जाता है, उनके जन्म दिवस पर ये फिट इंडिया मूवमेंट का लॉन्चिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए स्वागत करता हूं। जय हिंद।